वहाँ पर जो नारे लगाए जा रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि हमारे साथ ये करना है तो कारगिल खोल दो। तो जहाँ पर ये नारे लग रहे होंगे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पर जो मसले की शिद्दत है वो कितनी ज़्यादा होगी। Our top focus this hour, massive protest taking place in Gilgit-Baltistan region, which is part of Pakistan-occupied Kashmir. Protesters gathered in huge numbers. They're expressing their discontent against the ruling administration. In a video shared by protesters online, it shows angry speeches by local leadership, even threatening to launch a civil war. अगर तुम लोग इसी तरह सहूलतकारी करते रहोगे, नहीं जाना हमने पंजाब, नहीं जाना हमने सिंध, अगर तुम्हें तकलीफ है इस मुतनाजा खत्ते के शहरी को, तुम अपने मुल्क में आने के लिए रास्ते में टाउट पैदा कर दो, दार एल तांगिर को इस्तान तक, हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो कारगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, हम जाएंगे जाएंगे। ये रोड उस टाइम तक नहीं खुलेगा, अभी हमारे तमाम जवान बुजुर्ग, इन सबसे मैं मशावरात करूंगा, आप लोगों ने पूरा बंद रहना है। ये सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि इस वक्त वहाँ पर शिया सुन्नी के बीच एक लड़ाई नजर आ रही है, एक बहुत गंभीर तसादुम नजर आ रहा है। धरने दे रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान की तमाम बड़ी मेन शहराओं को बंद कर दिया गया है, टूरिज्म वहाँ पर बंद हो गई है, ट्रांसपोर्ट वहाँ पर बंद है, स्टूडेंट वहाँ पर स्टक हो गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर खामोश है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आप चौंक जाओगे। हालांकि आप अक्सर ऐसी वीडियो देखते होंगे, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं वो दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। तो ये मज़ेदार वीडियो है, आप सभी से निवेदन करूँगा कि पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने प्रोग्राम में मैं पाकिस्तान की अथॉरिटी से ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है तो फिर वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उसको मीडिया पर दिखाने पर पाबंदी क्यों है? या फिर मीडिया से सवाल करना चाहिए कि क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा होगा कि पूरे का पूरे इलाके के लोग सड़कों पर होंगे और वो नारे बुलंद कर रहे होंगे और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकलेंगे, तो आप तब भी उसको कवर नहीं करेंगे? बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन हो ऐसा ही रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ही इसके ऊपर बात कर लें। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा मख्तूश हैं, और इसको अगर हम ये कहें कि क्या ये फ़िरका वाराना तसादुम है, ये सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर शिया सुन्नी के बीच एक लड़ाई नज़र आ रही है, एक बहुत गंभीर तसादुम नज़र आ रहा है। और ये सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ, सिलसिला तो वैसे जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पर मैं कुछ देर में पहुँचूँगी, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी पुराना किस्सा है, वो हमारी जड़ों में बैठा हुआ है। लेकिन हम बात, ये जो झगड़ा है इसको वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के एक शिया क्लरिक, एक शिया रहनुमा आगा बाकर हुसैनी के ख़िलाफ़ एक FIR काटी जाती है, और वो FIR इस बिना पर काटी जाती है कि उसमें ये दर्ज किया जाता है कि आगा बाकर हुसैनी ने ब्लास्फेमी की है और उन्होंने गुस्ताखी की है, और जो कानून सेनेट से पास हुआ है कुछ दिन पहले उसके तहत उनको इतनी सज़ा मिलेगी। जैसे ही वो FIR काटी जाती है तो गिलगित बल्तिस्तान की शिया कम्युनिटी उठ खड़ी होती है, और वो ये सवाल करते हैं, बल्कि वो ये जवाब देते हैं, वो उस बिल का और उनके ख़िलाफ़ काटी जाने वाली FIR का ये जवाब देते हैं कि फौरी तौर पर ये जो पर्चा दर्ज किया गया है इसको वापस लिया जाए। और फिर उसके इस सिलसिले में जो तकरीर होती हैं, जो स्पीचेस देखने को मिली हैं, उसमें जो सवाल उठाए गए हैं वो आपके सामने भी रखेंगे। लेकिन सिर्फ बात यहीं तक नहीं रहती, बल्कि उसी के साथ जो वहाँ की सुन्नी कम्युनिटी है, सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, वो भी उठ खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि हमारी बात मानी जाए। तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि इस वक्त वहाँ के जो दो बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, शिया कम्युनिटी और सुन्नी कम्युनिटी, 39% शिया हैं वहाँ पर, और उसके बाद जो तीसरी कम्युनिटी है वो है इस्माइलीज़ की। तो दो बड़ी कम्युनिटीज़ के बीच ये तसादुम हो रहा है। अच्छा, इस तसादुम के पीछे ये जो FIR काटी गई, इसके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि ये हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत वक्त की तरफ से काटी गई है। तो इस बिना पर वहाँ पर जो मुजाहरे हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ भी हो रहे हैं। अब जिस बिल की हम बात कर रहे हैं वो बिल सेनेट में पास हुआ है, और इसके ऊपर जो पाकिस्तान का मीडिया है
उसमें इसकी ये खबर बड़ी तफसीली तौर पर शाया हुई जब बिल पास हुआ, और उसमें बताया गया कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने कोई 17 जनवरी 2023 को सहाबा कराम और उम्मतुल मोमिनीन और इनके हवाले से तौहीन पर उम्र कैद की सज़ा का बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया, और इसमें यह है कि जो सज़ाएं हैं उसमें इजाफा कर दिया गया उस बिल की जो मंजूरी दी गई। इसको पेश करने वाले जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने इसको पेश किया था, और इससे पहले भी ये कानून पाकिस्तान में मौजूद था लेकिन सज़ाएँ जो थी वो कम थी, उन सज़ाओं को बढ़ा दिया गया। और कितना बढ़ाया गया ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ मीडिया में, खासतौर पर इंटरनेशनल मीडिया में भी और पाकिस्तान के मीडिया में भी इस बिल के पास होने के बाद खबरें शाये हुई, जैसे कि DW में ये इस तरीके से खबर शाया हुई कि क्या मौजूदा हालात में नामों से सहाबा बिल की ज़रूरत है। अच्छा, इसके ऊपर इसकी जो तफसील मिलती है उसमें ये बताया गया है कि बिल के टेक्स्ट जो है ड्राफ्ट है उसके, यानी जो उसका उसमें पास कर लिया गया जो कानून, उसकी जो शिकें हैं वो ये हैं कि जो इस तरह की कोई तौहीन करेगा या वो जो तौहीन है वो लिख कर की जाए, वो बोल कर की जाए, वो नक्श की सूरत में, यानी कहीं पर कुछ ऐसा बना दिया जाए, कुछ पेंट कर दिया जाए, किसी भी सूरत में अगर कोई ऐसी बात की गई जिससे किसी को भी ये लगा कि ये जो है वो सहाबा के खिलाफ या जो मज़हबी शख्सियात है उनके ख़िलाफ़ बात किसी ना किसी तरीके से भी जा रही है, तो उसकी जो सज़ा पहले थी वो 3 साल थी लेकिन उससे बढ़ा कर कम अज़ कम 10 साल या उम्र कैद कर दी गई। अच्छा, फिर इसे काबिले ज़मानत से नाकाबिले ज़मानत, यानी पहले बेल हो सकती थी लेकिन उसके बाद इसको ऐसा बड़ा जुर्म बना दिया गया कि इस पे बेल भी नहीं हो सकेगी। फिर अदालत से जो वारंट जारी होते हैं उसके बजाय इब्तदा में ही वारंट गिरफ्तारी जारी करनी, अदालत से पहले समन जारी किया जाता है ना किसी के ख़िलाफ़ या किसी के नाम, लेकिन उसके बजाय सीधे सीधे वारंट गिरफ्तारी ही जारी करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दानिस्ता नादानिस्ता या किसी के गलत इल्ज़ाम लगाने पर भी, किसी का अगर कोई अपना कोई बदला लेने के लिए किसी के ख़िलाफ़ कोई गलत इल्ज़ाम लगाता है तो तब भी, जैसा कि बहुत ज़्यादा होता है, ये हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, तो उस सूरत में भी ये तमाम सज़ाएं जो हैं वो उस शख्स को मिलेंगी। अब जैसा मैंने कहा था कि ये जो है मसला, ये जो झगड़ा है, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है, और चले हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाते लेकिन हम चले जाते हैं ज़ियाउल हक़ के दौर तक। डिक्टेटर ज़ियाउल हक़ के दौर में जो है जो तरामीम की गई थी और ख़ास तौर पर उसमें मज़हब के हवाले से, मज़हब को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया था एक टूल के तौर पर, उसमें आप जानते हैं कि कई ऐसे फ़िरके थे जिनको काफिर करार दे दिया गया अहमदीस के हवाले से, जो बिल ना सिर्फ पास किया गया बल्कि उसमें कुछ नई शिकें शामिल की गई। जैसे कि कहा जाता है कि ये जो 295C है ये ज़ियाउल हक़ के दौर में शामिल किया गया, उससे पहले ये जो बात की जाती है कि अंग्रेज़ों के दौर का है तो उसमें तो 295B था लेकिन सी बाद में शामिल किया गया। खैर, वो तो मुख्तलिफ अदवान में उसमें बहुत सारी शिकें शामिल होती रहीं, लेकिन इसमें यह है कि ज़ियाउल हक़ ने 1980 में एक ऑर्डीनेंस के ज़रिए ताज़ीरात पाकिस्तान में दफ़ा, यानी कि क्लॉज 298A को ऐड किया था, जिसके ज़रिए सहाबा और अहले बैत की तौहीन करने पर 3 साल तक कैद या जुर्माना या कैद और जुर्माने की दोनों सज़ाएं मुकर्रर की गई थी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो जैसा कि पाकिस्तानी पत्रकार हमको जो है ना इस वीडियो के अंदर बताती हुई दिखाई दी कि गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उसका विवाद क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, ये सारा आपने इस वीडियो के अंदर देखा है। अगर हम थोड़ी बात करें तो जैसा कि इस वीडियो के अंदर बताया गया है, ये जो विवाद हुआ है सिया और सुन्नी के नाम पर ये विवाद हुआ है, और यहाँ पर जो है ना जैसा कि इस वीडियो के अंदर पाकिस्तानी पत्रकार ने बताया है कि ब्लास्फेमी के चार्जेस लगे हैं। उसके बाद जो है ना पुलिस कंप्लेंट की गई और जब गिरफ्तारी की बात आई तो जो सिया समुदाय के लोग हैं वो बाहर आ गए, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम गिरफ्तारी नहीं होने देंगे, ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ है। उसके बाद सुन्नी समुदाय के लोग भी आ गए और इस तरीके से जो है ना ये विवाद आगे बढ़ा। और जैसा कि अगर हम पाकिस्तानी मीडिया की बात करें तो पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है वो क्लेम कर रहा है कि लाखों की तादाद में लोग इस समय सड़कों पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर सरकार की तरफ से अगर बात की जाए पाकिस्तानी मीडिया की माने तो सरकार इस विवाद को ख़त्म करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई ज़रूरी कदम नहीं उठा रही है। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना वो इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, जबकि ये इतना ज़रूरी बात करने वाला टॉपिक है कि अगर ये विवाद हल्का फुल्का भी आगे बढ़ता है तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमको जो है ना नुकसान होता हुआ दिखाई दे सकता है।
अगर हम बात करें तो जो भी विवाद हैं उसको जो है ना बैठकर बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। अगर कुछ हुआ है तो कानून का सहारा लीजिए, कानून के जरिए इस सारे विवाद को सुलझाइए, इसी में सबकी भलाई है। बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।